वेलकम टू सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट। आज क्लास 10 का ये वीडियो है जिसमें हमें समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब समझने के बाद जो इसमें इक्वेशंस आएगा उसमें हमें चार तरीके से सॉल्व करने होंगे, और चार तरीकों से सॉल्व करने से पहले हमें जो बेसिक मतलब कि जो फैक्ट्स में आएंगे मैं उसको भी क्लियर करा दूँगा, ठीक है। तो जैसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। जो क्लास 9 में पढ़े थे उसमें पेयर नहीं था, सिर्फ इतना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। मतलब कि लीनियर इक्वेशन तो रहेगा लेकिन दो वेरिएबल का रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए ये 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए है क्योंकि इस पर पावर नहीं लगा है, इसकी डिग्री 1 है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक कहते हैं, जिसकी 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन का मतलब इसीलिए हुआ क्योंकि इस पे कोई भी पावर नहीं लगा है। अगर ये पावर लगा होता तो ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या इस प्रकार के होते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। इसके बाद लिखा है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब इसमें दो वेरिएबल रहेगा, एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा, ठीक है। तो एक्स क्या है एक्चुअली, जो है एक्स ना वो अब्सिस्सा को डिनोट करता है और वाई जो है वो ऑर्डिनेट को डिनोट करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो एक्स और वाई दोनों एक्चुअली क्या है ना, कि एक्स क्या है अब्सिस्सा को डिनोट करेगा, वाई अगर ऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां एक पॉइंट मिलेगा, तो उसे कहेंगे कि एक्स और वाई, इसे कोऑर्डिनेट कहा गया, ठीक है, कहा जाता है। मतलब एक्स और वाई जहां पर मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो वहां पर एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी जो पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक एक्स और एक वाई होगा। बात समझ में आया इतना पर। इसके बाद पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें एक ही इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, उसमें तुम्हें क्या कितना इक्वेशन लेना पड़ेगा? कम से कम 2 इक्वेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम क्या है इसमें? 2 ही है, मतलब कि पेयर में है तो 2 ही इक्वेशन होगा, ठीक है। इतना बात हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखो, जो एक नॉर्मल इक्वेशन होता है जो हम क्लास 9 में पढ़ते थे, इतना ही सिर्फ पढ़ते थे, ठीक है, इतना ही पढ़ते थे कि देखो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते थे क्लास 9 में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन है भले ही दो वेरिएबल का है, जिसमें से कि ए बी और सी ए कोई नंबर है। नंबर का मतलब है ए इंटीजर है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, देखो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के रेशनल नंबर कह सकते हैं, ये जो ए बी और सी है एक प्रकार के रेशनल नंबर होंगे ये, मतलब कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, और कुल मिलाकर के इंटीजर जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस रेशनल नंबर समझ लीजिएगा तो सभी कवर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना समझ आ गया। इसके बाद जो ये हमारा मतलब ये जो एक्स है और ये वाई है, ये क्या है? ये एक्चुअली यहाँ तो अभी वेरिएबल है, अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इक्वेशन में लिखा रहेगा वेरिएबल में, या तो एक्स लिखा रहेगा या वाई लिखा रहेगा, ये दोनों, तो ये दोनों वेरिएबल डिनोट करेगा। लेकिन एक्स और वाई की एक्चुअली बाद में वैल्यू निकाली जाएगी और वही वैल्यू ग्राफ में प्लॉट किया जाएगा, और वहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा वहीं पर क्या आएगा? एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली सीधा समझ लेना कि ए बी और सी कोई नंबर है और एक्स और वाई एक वेरिएबल है, इतना समझेंगे, ये क्लास 9 तक का था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये पेयर रहेगा, तो इसका मतलब है एक इक्वेशन और भी रहेगा, इतना भी हमने समझ लिया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब दोनों ही इक्वेशन एक जैसा रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए क्या किया जाता है कि पहले वाले जो नंबर्स हैं इसे A1, B1 और C1 कह दिया जाता है, यानी ये पहला लाइन है। दूसरी जो लाइन है इसे कहा जाता है, देखो A2 है, ये B2 है, ये C2 है, थोड़ा सा नाम में डिफरेंस देने के लिए। और एक्स और वाई दोनों में वही वैल्यू सेम है, यानी जो एक्स है और ये जो एक्स है वो भी यही एक्स भी है, और ये जो वाई है ये भी वही वाई है, यानी एक्स और वाई में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ए बी सी में डिफरेंसेस हैं दोनों इक्वेशन के साथ साथ। ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये भी कोई लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इक्वेशन है ये भी किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों ही सेपरेटली क्या है? ये दोनों लाइन है, ठीक है, अलग अलग दोनों क्या है? ये लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस हैं ना, तो इसमें अगर मान लीजिए नंबर के हिसाब से लिखा जाए तो क्या होगा?
तो नंबर के हिसाब से लिखा जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा ही लिखा हो कि जैसे मान लीजिए लिखा हो 3x है प्लस मान लीजिए 5y है इक्वल टू मान लीजिए 7 लिखा, कुछ ऐसा ही लिखा हो, और इसके बाद एक लिखा हो 4x है प्लस मान लीजिए 9y है प्लस इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ये कोई तो इसे A1 कहेंगे, इसे B1 कहेंगे, और एक्चुअली ये इधर होता है। तो एक काम करते हैं, मान लो इधर ही है -7=0 और इधर -2=0 होना चाहिए अभी इधर। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, B1 की वैल्यू कितनी है 5 है, और C1 की वैल्यू कितनी है -7 है। ठीक है, A1=3, B1=2 कितना है हमारा 5 है, और C1 की वैल्यू कितनी है -7। याद रखिएगा कि जो भी इस पे साइन होगी वो साइन लिखी जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू अभी यहाँ पर कोई साइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जब सॉल्यूशन आएगा तो फिर वहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो अलग बात है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये A2 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो -4 रिप्रेजेंट कर दिया जाता। B2 की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिखी जाएगी, और C2 की जो वैल्यू है कितनी है -2 है तो ये -2 को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी A1 और B1 और C1 A2 B2 और C2 ये सारे रिप्रेजेंटेशन हो गए। इतनी बात समझने के बाद अब जो चारों मेथड्स हैं हमारे जिससे हम x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे दोनों पेयर को मिला करके, उसमें मुझे चार मेथड्स पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। नंबर एक पढ़ना है ग्राफ मेथड्स है, जिसे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर पढ़ेंगे एलिमिनेटिंग मेथड, और लास्ट में पढ़ेंगे एक जो है मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक रिड्यूसिबल मेथड है लेकिन एक्चुअली कोई वो मतलब कि लेट करके सॉल्व कर लिया जाए उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मेनली हमें चार मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, वहाँ पर लेट करके सॉल्व के लिए था वो एक्चुअली कोई नया प्रकार का मेथड नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो उतना ही होगा। चलिए अब आगे करते हैं। ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करके ये बताते हैं कि वैल्यूज क्या आएंगी। तो अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, ऊपर का ये वैल्यू रिप्रेजेंट देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यह एक एक करके क्वेश्चन लगाऊंगा तो मैं एक एक करके क्वेश्चन नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लगाऊंगा जो मतलब कि जो कॉन्सेप्ट में होगा, जितना कि आप होमवर्क कर सकते हैं उसको नहीं लगाऊंगा मैं ना। बेसिक चीज़ें मैं समझा दूंगा, जो जो क्वेश्चन लगेगा कि ये टफ है उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है उसको मैं करा दूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं जिसको बहुत सिंपल है उसको सॉल्व करा के क्या करूंगा। तो एक एक मत उम्मीद करिएगा कि इसमें समझो सारे मतलब क्वेश्चन कर ही देना है, तो सारे क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है 2x + 5y = 17 है, और इसके बाद है 5x + 3y = 14 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा इसको और किनारे लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5y = 17, ये है 5x + 3y = हो गया मान लो 14, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ही इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ में जब वैल्यू को रिप्रेजेंट की जाती है, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, अब ये बात तो पता है x की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक हो सकती है, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, ये बात हमको पता है। और ये भी जानते हैं अगर अलजेब्रा पता हो तो x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे यानी x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो y अपने आप चेंज हो जाएगा सॉल्व करने के हिसाब से, या ऐसा भी कर सकते हैं y की वैल्यू अगर हम कुछ और रखते हैं तो x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ये बात समझ में आएगा, मैं रख करके भी दिखा देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर एक ही पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे तो हम जैसे मान लो कि अगर हम एक पॉइंट को ही सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमें एक पॉइंट मिल गया तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये लाइन किधर से जाने वाली है, सीधे जाएगी किधर से जाएगी, तो हमें कम से कम कितने पॉइंट निकाले होंगे, हमें कम से कम 2 पॉइंट निकाले होंगे, और इन्हीं दोनों को क्या करना होगा मिला के हम आगे बढ़ा देंगे। तो मिनिमम 2 पॉइंट हमें चाहिए होगा ना, 3 भी निकाल सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 चाहिए होगा। ठीक है, चलिए अब पहले इक्वेशन से हम टेबल बनाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान। ठीक, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो देखिए अभी, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब हमें क्या करना होगा, पहले इक्वेशन से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये 2x + 5y = ये 17, ये इक्वेशन नंबर कितना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को उधर भेज देंगे, एक वैल्यू को उधर भेज देंगे यानी y को भी उधर भेज सकते हैं हम,
कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 5y होगा। अगर हम x की वैल्यू कहेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 17 माइनस 5y और अपान 2। यहाँ तक तो कर सकते हैं। एक वैल्यू को हमें मतलब एक जो जो हमारा मतलब कि y वाले पूरे टर्म को इधर देखो, x को भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि x को भी भेज देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। y को भी भेज सकते हैं, x को भी भेज सकते हैं, फिलहाल मैंने y को भेज दिया। तो ये 17 माइनस 5y हुआ और ये जो 2 इसके साथ था बाद में डिवाइड हो गया। यहाँ से क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि y की वैल्यू इंडिपेंडेंट कहलाती है, यानी कि y की वैल्यू अपने मन से रखी जा सकती है। और अगर y की वैल्यू हम कुछ रखेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जिसे हम फिर x कहेंगे। यानी ऑर्डिनेट हमें अपने आप से लेना है और जो आपसी से आएगा वो सॉल्यूशन से आएगा। तो ये नहीं कि दोनों को दोनों ठोक दिया अपने मन से, ऐसा नहीं है। एक वैल्यू अपने मन से लेना है और दूसरी अपने आप से सॉल्व होकर के आएगी। लेकिन बात यह है कि ए वाई की वैल्यू हमें वही रखना है जो कि सॉल्यूशन से अच्छी तरीके से आंसर आ जाए। यानी कि उल्टा सीधा कुछ भी रख दिया, 17 रख दिया, 20 रख दिया, कुछ भी रख दिया नहीं। और आपके ग्राफ में वो सुटेबल होना चाहिए, यानी कि वो नंबर लगभग 10 तक ही हो ताकि ग्राफ आप बना सको। यानी कि ले लिया 100 ले लिया, फिर 200 ले लिया, तो फिर कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो फिर समस्या आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू अपने मन से रखते हैं, ऑर्डिनेट एक जिसमें से x की वैल्यू फिर निकाल लेंगे हम ना। चलो अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि देखो y की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 है, लेकिन अगर हम 0 रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा पॉइंट में। इसलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा पॉइंट में ना आए, अगर आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें, जो जितना आएगा उतना हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ऐसा रख दें कि ताकि मतलब कि वो ज़्यादा कोशिश करें कि वो मतलब कि फ्रैक्शन में या फिर मतलब पॉइंट में ना आए, कोशिश करते हैं। नहीं होगा अगर तो फिर वहाँ पर पॉइंट को भी रिप्रेजेंटेशन आगे हम करवाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि आगे भी करवाना मुझे, लेकिन ये थोड़ा सा हमने सिंपल ले लिया है इसको। देखो अभी अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं, थोड़ा सा सोचिए, तो ये हो जाएगा पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 17/2 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, फिर ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 17 माइनस 5 हो जाएगा 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6 एग्जैक्टली आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे। देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 5 अपॉन 2 का मतलब हो गया 12 मतलब कि 12 अपॉन 2 के मतलब ये हो जाएगा 6। यानी जो ये भी पॉइंट आया, ये पॉइंट नंबर जो 1 आया मतलब 1 नंबर पॉइंट आया वो आया, पहले आप सीसा लिखेंगे फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे, रूल तो यही है ना कि आप सीसा क्या है भाई, देखो ये है x की वैल्यू आप सीसा है 6 और ये y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट हमारी है। हालांकि अभी टेबल भी बनाना है, टेबल अभी बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट कम से कम और ले लें, अभी एक पॉइंट से फाइनाइट लाइन जाएगी तो भी समझ में नहीं है कि किधर घुमाएं, इधर घुमाएं कि उधर घुमाएं, किधरों भी घूम सकता है ना, तो इसलिए अभी एक पॉइंट को और ले लेते हैं ताकि दोनों पॉइंट हो जाए, तब तो बात क्लियर समझ में आए कि हाँ जरी इधर ही घुमाना है, नहीं तो पता घूम जाओ किधर घूम जाओ पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो अब दूसरी पॉइंट ले लीजिए, वाई की वैल्यू कुछ लो, 2 ले लो तो 5 × 2 = 10, तो 7 में से 10 जाए 7 × 2 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 5 × 3 = 15, 17 − 15 कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 2, तो सही है। कितना ले लेना है, 3 ले लेना है। वाई की वैल्यू कितना लोगे अब की बार, ये देखो ये भी लेट है, वाई की वैल्यू कितने ले लिया, 3 ले लिया, तो क्या आया अभी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 17 − 5 × कितना लिए हो, 3, क्यों लिए हो समझ लो, क्योंकि ये ताकि ये 2 से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, तो ठीक है। अगर डेसिमल में भी आता तो कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इतना समझ के रखिएगा। ठीक है, अपान 2 देखिएगा, 17 − 15 हुआ अपान 2, ये कैलकुलेशन आना चाहिए, ये आएगा 2 × 2 का मतलब 1 आएगा। फिर से समझ लीजिए कि x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 3, यानी कि ये जो पॉइंट्स आया, ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट आया 1 और 3, 1 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है ना। हाँ, अपने मर्जी करिएगा ना, तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। जैसा रूल है, जैसा चलता आ रहा है, वैसे ही पालन करना है, अपने हिसाब से वहाँ गणित नहीं लगा देना। ठीक है कि आ रहा, हम इसको भी आगे लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा फिर आएगा समझ में। अच्छा, इसका टेबल बना लो, टेबल कुछ ऐसा ही होगा, कुछ टेबल में कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसानी से। ये हमारा है, मान लो
यहाँ पर बना ए एक्स, ठीक है, यहाँ पर वाई है ना, ये रखा। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या थी पहले वाले में, यहाँ एक्स की वैल्यू ये वाली, एक्स की वैल्यू जब सिर्फ सी थी इसमें तो वाई की वैल्यू वन थी यहाँ पर, दूसरी जो थी कहाँ थी ये, अगर एक्स की वैल्यू वन थी तो ये थ्री थी, ये टेबल बना लिया, बना लेना होता है मतलब ना। तो अब इस देखो ये वाली जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आता होगा तो फिर कर लोगे, सिक्स और वन को कहाँ आएगा ढूंढ लीजिएगा, इसके बाद वन और थ्री कहाँ आएगा उसको भी ढूंढ लेना है, इन दोनों पॉइंट को मिला के आगे पीछे दोनों तरफ क्या करना है बढ़ा देना, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट तक आगे पीछे बढ़ती है, इस वजह से बढ़ाना है, यानी कि अपने मन से बढ़ा देंगे। चलिए ये हो गया हमारी पहली लाइन का विवेचना, दूसरी लाइन का समझते हैं। दूसरी लाइन कौन सा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इनको बंटवारा कर दें इधर, तो फिर इधर चले, कितना है 5x और प्लस 3y इज इक्वल टू 14 है, है ना। अब थोड़ा सा देखो फिर से वही काम करने वाले, ये क्वेश्चन नंबर 2 के चल चल रहे हैं, क्योंकि एक लाइन को हम यहाँ बना लेंगे, देखिए यहाँ तो दो लाइनें हैं, अब दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वही आंसर होगा, तो एक लाइन को तो रिप्रेजेंट कर लेंगे, दूसरी को भी तो चाहिए, उसके साथ लाइन छापी नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये है फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, मैं लिखता भी बहुत बढ़िया हूँ, ये एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि 5x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 3y, और बाद में x इज इक्वल टू 14 माइनस 3y अपान कितना हो जाएगा 5। देखो क्या क्या रख सकते हैं, अगर 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और 14 अपान 5 हो जाएगा। देखो ऑर्डिनेट अपने मन से मानो, आपसी से अपने आप से निकालना पड़ेगा, सॉल्व होगा। तो अगर 2 मानते हैं तो 3 दुनी 6 हो जाएगा, अब 14 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 8 आएगा, नहीं 14 में, चलिए अगर हम मान लेते हैं 3 के जो y की वैल्यू 3 ले लेते हैं कितना आएगा, तब लेट करें कि y की जो वैल्यू है, देखो रख सकते हैं अपने मन से, बस डेसिमल कोशिश करेंगे ना आए, बस सिर्फ कोशिश करने की मैं बोल रहा हूँ, अगर ना आए तो ठीक है, अगर आता है तो फिर क्या करेंगे, रख देंगे उसी के हिसाब से, तो भी आंसर आई है। देखो ग्राफ लेकर के सॉल्व करिएगा, अपने मन से टिका टाका कराएंगे अभी, हालांकि मैं वैसे ही करूँगा तो मैं भी गलत हो सकता है ना, कि उसमें कुछ डिफेक्टेड आएगा, क्योंकि अभी हाथ से और मशीन वाला ग्राफ से अंतर है। वाई की वैल्यू देखो 2 रखोगे तो 3 दुनी 6 तो ये 15 में से 8 आ रहा है, तो 8 अपन 5 आएगा, तो पॉइंट में डेसिमल में आंसर आएगा। 3 कोशिश करते हैं तो 3 हो जाएगा, तो 3 जा 9 और 14 में से 9 चला जाएगा, तो 5 5 1 1 सही आ जाएगा, इसका मतलब तो आएगा हम यहाँ पर वाई की वैल्यू 3 क्यों मान रहे हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन ठीक से होना चाहिए। अब देखो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 14 माइनस 3 इंटू कितना होगा जी 3 अपान 5, यहाँ क्या होगा 14 माइनस 9 और अपान 5 का कुल, सीधा से मतलब आ गया ये 5 5 1 1, ये वन आंसर आएगा। यानी अगर हम पॉइंट लिखना भी चाहें तो ये जो पॉइंट होगा ये 1 और 3 का होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, देख लीजिएगा रेजोल्यूशन बढ़ा के, 1 और 3 है इसका ना। अब एक पॉइंट कम से कम ही 1 1 1 और 3 को अगर हम पॉइंट को लोकेट कर देंगे तो फिर किधर जाएगा, फिर अभी एक पॉइंट और ले लेना है, अभी एक पॉइंट कहाँ गया, किधर जा रहा है सब, हाँ देखो अभी, अब वाई की वैल्यू एक फिर यही पर चले लिख देखिएगा कितना आएगा। देखो माइनस में भी आंसर आ सकता, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि माइनस प्लस सबको तो हमने रिप्रेजेंट करना सीखा है पिछली क्लास में, या फिर मेरा वीडियो जो क्लास 9 वाला होगा उसको आप देख सकते हो, जिसमें हमने लोकेशन सिखाया है कि पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्वाड्रेंट क्या है, पहला क्वाड्रेंट क्या है, दूसरा तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इसमें फ़र्क क्या होते हैं, सभी का नाम अलग अलग क्यों है, ये सब सारी बातें जो क्लास 9 वाले वीडियो में उसमें है, इसमें बहुत सारी डिटेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में सारा पूरा घुसा देंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, तो फिर इतना ही समझना है अभी, ठीक है, तो इतने के लिए समझिएगा अभी, बाकी चीज़ें दूसरे वीडियो में ही रहेगा। चलो अभी देखो तो यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए 3 3 ले लिया था, 3 2 6 ले लगभग, तो ये हो जाएगा 3 36 18 और 18 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, मान लो 3 नहीं रखते हैं, 14 3 3 2 6 14 6 20, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, तो ये देखिए माइनस अगर वाई की वैल्यू हम रखते हैं, यानी ये 6 हो जाता तो ये 14 प्लस 6 कितना हो जाता 20, और 20 अपॉन 5 करते तो 4 एग्जैक्टली आ जाता, तो हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू हम ले सकते हैं कि y की वैल्यू होगी -2, तो कि -2 जब रखेंगे तो ये -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करके होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ y की वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं,
पॉइंट में आएगा, अगर एग्जाम में पॉइंट में आता है तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं करिएगा कि बस होल नंबर ही है, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं 90%, 10% उसमें अगर आ रहा है तो फिर लोकेट करके आगे बढ़ेंगे ही, क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू हम कितना ले लें, 2 ले लें, वो भी माइनस में, ठीक है। तो माइनस में लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस, देखिए यहाँ 3, अरे यहाँ पर माइनस क्या रखा है, माइनस 2 ना, ठीक है, और अपान होगा 5। अभी देख लो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, मान लीजिए माइनस और ये माइनस, माइनस कितना, पहले 3 2 जाए तो कितना होगा 6, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 6/5, यानी कि आ जाएगा 20/5 का मतलब 4 आया। देखो नंबर थोड़ा सा छोटा लेंगे, ये कुछ इतना बड़ा नंबर नहीं ले लेंगे कि ग्राफ से बाहर जाने लगे, नहीं तो फिर देखो होता है कि अगर कभी कभी 35 को लोकेट करना हो, 55 को लोकेट करना हो, 105 को लोकेट करना हो, तो ऐसे टेबल में हम वो 10 के रेशियो में ही टेबल लेते हैं। अभी हम बताते हैं जब ग्राफ में होगा तब। तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट नंबर 2 आया इस लाइन का, ये इस लाइन का पॉइंट है, तो इसमें आया 4 और यहाँ पर -2, तो हमें मिल गया यहाँ पर 2 पॉइंट पहली लाइन का और 2 पॉइंट दूसरी लाइन का। चाहें तो इसको भी ग्राफ हम बना लें, क्योंकि ग्राफ बनाना ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया x और यहाँ पर हो गया y, और x की वैल्यू जब पहले में यहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 थी, इसमें वो x की वैल्यू 4 थी, तो ये फिर -2 था, ठीक है। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे इस पॉइंट से मतलब है, ये मैं टेबल छोड़ करके बाकी चीज़ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये बाकी कितना समझ में आया, चलिए देखिए अभी इक्वेशन भी इरेज कर दिया हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए इसको, सारी पॉइंट हो गई है दोनों टेबल को, क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर, ये है 2x + 5y = 17 था, और एक था 5x + 3y = 14 था, ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था। ग्राफ के हेल्प से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी। चलो अभी दोनों का टेबल, पहले का टेबल बना लो, मान लो ये पहले का टेबल इधर ही बना ले रहा हूँ, ये टेबल नंबर 1 है, याद रखिएगा, ये एक्स और वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, एक्स और वाई, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। टेबल नंबर 2 बनाइएगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ये वाले का, ये वाला, ठीक है, ये इसका है। अब यहाँ पर बनाओ, एक में कितना है एक्स है, एक वाई है, उसमें कितना था 1 3 था, और 4 और -2 था। थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें, इसको रिप्रेजेंट मतलब हटा दे रहा हूँ। चलिए अभी ये हो गया, इतना इरेज हो गया। अब देखो अब बनाएंगे हम ग्राफ, ये हमारा है, ये हुआ, थोड़ा सा हम डिस्टेंसिंग सेम लेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने मैक्सिमम गया है, मैक्सिमम 6 तक गया है, तो ले लेते हैं बस 1 2 3 4 5, ज़रूरत होगी तो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलिए ऐसे बस इतना हो गया। अब देखिए ये सारी 1 2 3 4 प्लस में है, ये 1 2 3 माइनस में है एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की प्लस वाला डायरेक्शन है 1 2 3, और ये माइनस वाला डायरेक्शन है वाई के, ठीक है, वाई डैश एक्सिस जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इसे कहेंगे एक्स डैश एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई डैश एक्सिस, क्योंकि निगेटिव में जाता है ये, इसलिए डैश को मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए कर लिया जाता है। अब हमें 6 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, 6 का मतलब होता है x एक्सिस के एलॉन्ग आप सीसा 6 पॉइंट, और 1 पॉइंट ऊपर या नीचे ये भी देखना है, तो ये है 6 पॉइंट, मुझे राइट जाना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है, ये वाली पॉइंट 6 है। अब इसको देखेंगे 1 पॉइंट कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो ये 1 पॉइंट क्या करना है, ये वाला लाइन, तो ये वाला जो हमारा आएगा ये पॉइंट हो गई, ये हो गया जो 6 और 1, ये हो गया 6 और 1, पहली पॉइंट मिल गई। दूसरी है 1 और 3, 1 का मतलब है x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, -1 होता तो इधर आते, अभी उधर ही जाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी ये पॉइंट है 1 की,
यक्स की, और इसके बाद मुझे जाना है थ्री, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, वन टू थ्री ये वाली पॉइंट है, तो ये इधर मिला देंगे, ये इधर मिला देंगे, तो ये जाएगा इधर, और थोड़ा सा इसको ऐसे ही मिला देंगे, ये आएगा हमारा जहाँ पर ये काटा हुआ है, ये पॉइंट है वन और थ्री की। अब हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट्स मिले, इसी को क्या करना है, इसी को एक ले करके स्केल मिला देना है, पीछे तक बढ़ा देना है, जैसे भी जाएगा सी ठीक से जाएगा, ये ठीक से नहीं गया होगा क्योंकि हाथ से बना हुआ। दूसरी पॉइंट ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एक्चुअली जो 2x 5y प्लस 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 2x प्लस 5y और प्लस 17 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली हो गई। अब दूसरी ब्लैक से करिए, रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5x प्लस 3y प्लस 14 के लिए ये टेबल बना था, ये दोनों पॉइंट अलग अलग आई थी, तो ये 1 3 की थी, एक 4 और माइनस 2 की थी, ये दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कहाँ आएगा 1 और 3, अरे इसका भी तो 1 3 वही आ रहा है, चलिए यहाँ पर भी 1 3 वही आ रहा है, तो इनका भी 1 3 है ना, इधर 1 और इधर 3, यानी ये दोनों ही 1 3 1 3 दोनों ही मैच कर गई। देखो यही पॉइंट इंटरसेक्शन का होगा, और यही एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई की वैल्यू 3 होगी ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसका क्या आंसर आता है, वही आंसर हो जाता है। यहाँ पर 4 और माइनस 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ा, देखो 4 मतलब राइट डायरेक्शन, इधर नहीं ये, क्योंकि आप सीसा वाला है, ये माइनस 2 है, इसका मतलब नीचे जाना है, ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पर 4, 1 2 3 4, ये वाला 4 है, चलो याद रखना है केवल, माइनस 2 नीचे होगा ये वाला। अब इसको नीचे की तरफ इन दोनों को क्या करना है, ये इधर सीधा कर लेंगे, ये इधर सीधा कर लेंगे, ये पॉइंट 4 और माइनस 2 की होगी, समझ आ गई है। अब इस पे इसके लेकर के इस पे नहीं, ये वाली पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करें, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है, तो ये जो होगी हमारी, थोड़ा सा देख करके ये इसको हम ऐसे मिला देंगे पीछे की तरफ, एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तो ये हम क्या करेंगे ग्राफ से मिले। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहाँ कर रही है, तो वहीं कर रही है 1 और 3 पर, तो ये काम हमेशा नहीं होता है कि 1 3 1 3 दोनों में आ रहा है, नहीं हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया होता है, इंटरसेक्ट यहाँ पर करती, उसी से मतलब होता है। हालांकि इसमें इस भाग से ऐसा आ ही गया कि 1 3 1 3 दोनों में मैच कर गया। यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला ना, यही मेन है, यानी कि यही कहेगा कि ये लोकेशन पॉइंट क्या है, तो ये होगा मतलब कि ये जो पॉइंट होगी, इस पॉइंट का नाम है जहाँ पर इंटरसेक्ट किया 1 3 है भी, वो बार बार काटा आ रहा है वो, तो यही 1 और 3, इसका मतलब है यक्स की वैल्यू 1 आएगी और वाई की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। लंबा होगा वीडियो, लंबा हुआ होगा, तो इसका मतलब यह है कि मतलब अच्छे से हमने समझा दिया इसमें कि अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो ये स्टेप्स हमें उठाने होंगे, जो जो हमने लिया है स्टेप्स के, ठीक है, तो उसे मतलब कि आप रिपीट करके देख सकते हो। तो एक मेथड हम इसमें कवर कर दिए हैं, बाकी जो मेथड्स हैं उसको हम कवर अप करा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर वो नंबर बड़े बड़े आते हैं तो फिर क्या करोगे, या फ्रैक्शन में आएंगे तो क्या करोगे, डेसिमल में आएंगे तो क्या करोगे। मान लो ये हमारे पास टेबल्स हैं, अगर उसमें नंबर ये 10 होता, ये 30 होता तो क्या करते, यहाँ पर ये 60 और 10 होता तो क्या करते, तो इसी को ही हम 10 और 20 और 30 और 40 50 मान लेते, क्या दिक्कत है उसमें, तो सीधी सीधी बात है। हाँ, ये दोनों की गैपिंग सेम होना चाहिए, एक ठो नहीं, 10 मान लिया, 50 मान लिया, एक ठो 100 मान लिया, 150 मान लिया, 300 मान लिया, ऐसा नहीं, सभी की गैपिंग बराबर कर लेंगे बस इतना। तो इसको 10 है, 20 है, 30 और ये 40 लिख देना होता है उसमें, हमने नहीं लिखा है, मैं बोल दे रहा हूँ, उतना समझ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देख रहे हो तो समझ में आया होगा, नहीं तो क्या पता कुछ ऐसे बस ऐसे ही टिक लगा के, नहीं वहाँ पर नंबर लिखा जाता है, ठीक है, वहाँ पर लिखोगे। तो अगर वो नंबर 10 के टेबल में ऐसा कुछ आ रहा है तो हम यहाँ पर 10 के हिसाब से लिख देंगे, तो अगर यहाँ 10 के हिसाब से लिखेंगे तो ऊपर भी उधर भी, सर तक हर डायरेक्शन में 10 के हिसाब से लिखना हो, भले ही इधर माइनस हो इधर भी माइनस हो, वो होता ही है, ठीक है, वो रूल के अनुसार। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कि 35 को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते, तो यहाँ पर 10 और ये 20 और 30 होता और ये 40 होता, तो ये 35 बीच में आता, तो इसके हिसाब से आगे पीछे बढ़ाना होता, वाई पर जो भी पॉइंट्स मिलती उसके हिसाब से, ठीक है, वो काम करते। डेसिमल में मान लीजिए, अगर मान लीजिए 3.5 या 4.2 आता, तो देखिए 1 2 3 4 है, 4.2 का मतलब यह 0.2 लगभग इधर आएगा, तो हमें उसके हिसाब से
चलना होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा फिर मैं एक क्वेश्चन अभी और कोशिश करूँगा कि जिसमें थोड़ा सा लॉजिकल हो उसको भी मैं उसमें सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो बस इसमें ग्राफिकल मेथड से ही था और बाकी इसमें कुछ नहीं था। बस आगे वाले में जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम पूरा कंडीशन बताएंगे कि A1 और A2 और जो B1 B2 और C1 C2 का रिलेशन लेकर के उसमें हम कैसे ये बता सकते हैं कि कोई भी लाइन जो होगी वो तीन तरीके से इंटरसेक्ट करती है, कुल मिलाकर करती नहीं है, या मतलब उनकी पास होने की तीन तरीके हो सकते हैं, या तो ये कहीं पर पास करे, या फिर दोनों दूर थोड़ा सा दूर होकर पास करे, या फिर दोनों को इंटरसेक्ट कर दे। वो कंडीशनल जो क्वेश्चन है मैं आगे बताऊँगा। और क्लास चल रहा है इस समय क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, जो CBSE बोर्ड का वो भी चल रहा है, हिंदी के भी चलाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 9 में काफ़ी लड़के ज़्यादा हैं इसलिए क्लास 9 में एडमिशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10 और क्लास 6-7 जो 8 तक है और उसमें हम एडमिशन आपका ले सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप एडमिशन करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, को देख रहे हो स्क्रीन पर लिखा हुआ, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।